आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में पैसा ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, connect.cse.gov.in पर जाना होगा और आपको अपना सीएससी आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना होगा। चलिए आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हो सकता है कोई आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप आए, आप यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, इसके ठीक नीचे देख सकते हैं ऐड मनी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, एक तो है यहाँ पे देख सकते हैं HDFC PG, एक है एक्सिस PG और उसके बाद CSC। यहाँ देख सकते हैं ऐड मनी टू वॉलेट और यहाँ भी लिखा हुआ ऐड मनी टू वॉलेट यूजिंग अदर PG। तो हम सिंपली क्या करते थे, यहाँ जो नीचे वाला ऑप्शन था ऐड मनी टू वॉलेट यूजिंग अदर PG पे क्लिक करके हम आसानी से बहुत ही आसानी से डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या UPI की मदद से हम आसानी से पेमेंट ऐड कर लेते थे, यानी पैसा ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि यहाँ पे दोस्तों ऐड नहीं हो रहा है, हमको इसमें जाके करना होगा और कैसे करना है कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं ले चलता हूँ नीचे वाले ऑप्शन पे। जब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे आपको पेज में रिडायरेक्ट करेगा और उसके बाद इनवैलिड रिक्वेस्ट बता दे रहा है। देख सकते हैं ये सेशन जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगर आ जा रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, इसी पेज में यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉलेट सेक्शन है इसमें ऐड मनी के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको एंटर करना होगा अमाउंट। अगर मुझे यहाँ पे 300 ऐड करना है तो हमने 300 ऐड किया, आप अपने हिसाब से अमाउंट ऐड कीजिएगा। आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक मोबाइल नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद HDFC PG पर आपको जाना है और ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक कर देना है। जब मोबाइल नंबर क्लिक करने के बाद तो HDFC PG पर आपको जाना है और ऐड मनी टू, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है CSC ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड और यहाँ देख सकते हैं पेमेंट मेथड आपको दिया गया है कि किस मेथड से आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है। तो UPI सबसे आसान होता है, UPI पे मैंने क्लिक किया, गूगल पे देख सकते हैं, भीम UPI, फ़ोनपे और साथ ही देख सकते हैं पेटीएम, व्हाट्सएप, ठीक है, जिसमें पे करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल पे चूज़ किया और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना UPI आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद मैक पेमेंट पे क्लिक। यहाँ पे UPI आईडी एंटर करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद ओके SBI पे हम क्लिक करेंगे। आपका जो भी UPI में लिखा हुआ रहेगा, जैसे ओके SBI या फिर @ ओके HDFC बैंक जो है आप सेलेक्ट करके यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों बैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से टाइमिंग चलेगा और आप अपना गूगल पे, फोन पे, जहाँ पे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसमें नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, आपको पेमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा। पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आप अपना UPI आईडी इंटर कर दीजिएगा। UPI आईडी आप जैसे इंटर करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर जो स्क्रीन है कुछ इस प्रकार से रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपका जो अमाउंट है वो आपके CSC डिजिटल सेवा का जो वॉलेट है उसमें ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप आसान सा स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपना, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं टॉपअप मैंने किया है आज के डेट में 300 रुपीज़। कुछ इस प्रकार से आसान सा स्टेप को फॉलो करते हुए आप CSC वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारा अपडेट करते रहता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।